सो हेलो जी, की हाल चाल सारे अनु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अब आप सोच रहे हो हाथ में ये नाइफ क्यों ले रखा है, तो भाई खुशियों का एक और पैकेट आ चुका है। खुशियों का क्या पैकेट है अभी जस्ट आपको थोड़ी सी देर में बता दूंगा। एनीवेज भाई लोगों, लास्ट वाला व्लॉग आपको कैसा लगा, रिपब्लिक डे वाला, प्लीज़ मेरे को बताना। और होप करता हूँ आपको अच्छा ही लगा होगा क्योंकि पूरी मेहनत से जो बनाया था। एनीवेज भाई लोगों, अब मैं बस एक नया सॉफ्टवेयर सीख रहा हूँ जिसका नाम है एडोबी प्रीमियर प्रो। एडवांस एडिटिंग हो जाएगी, टाइम लगेगा वो थोड़ा उसमें सीखने को मेरे को, और अभी उसके व्लॉग्स जो है वो थोड़ा लेट आएंगे। अभी भी मैं फिल्मोरा पर ही एडिटिंग कर रहा हूँ, तो उसमें भी टाइम है यार नए वाले सॉफ्टवेयर से एडिट करने में। एनीवेज भाई लोगों, अब अपने पास आ चुका है खुशियों का पैकेट। जी ये है वो खुशियों का पैकेट, जी यस आ चुका है। मैं आपको दो तीन दिन से बोल रहा था, लास्ट वाले व्लॉग में भी बोला था, उससे लास्ट वाले व्लॉग में भी बोला था कि अपन हिमालयन में चेंज करने वाले हैं। तो ये रहा वो पैकेट, खुशियों का पैकेट, यस। चलो तो अब इसको ओपन करते हैं जल्दी से और आपको दिखाते हैं इसमें अपन ने क्या मंगवाया है। आइडिया तो आपको लग ही गया होगा कि इसमें एग्जॉस्ट है, और कौन सी कंपनी का एग्जॉस्ट है, कितने का आया, वो सब बताऊंगा। बस इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहना, पहले करते हैं जल्दी से इसकी ओपनिंग, तो आओ साथ में करते हैं। होए 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 होए, खुशियों के पैकेट को इस तरीके से खोलता हूँ भाई, ओवर एक्साइटेड में कि बस। ओए होए, इसके अंदर भी एक और पैकिंग है। ओए होए होए होए, अब तो आपको समझ आ गया होगा किस कंपनी का है ये, है पॉफरेज कंपनी का। तो ये लो जी, 1 2 3 दिखा दूं, बोलो दिखा दूं। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ उसमें निकला क्या क्या है। एक तो भाई ये निकला है एग्जॉस्ट, जो बहुत काफ़ी भारी है, मुझे अच्छी क्वालिटी का लग रहा है ये, और वैसे ही मैंने थोड़ा स्टडी करके मंगवाया था। और इसमें निकली है भाई लोगों एक एलंकी, अगर आपको दिख रही होगी तो। और ये वारंटी कार्ड पीछे में, ये पावर एज, और एक निकला है भाई ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, खोल के देखता हूँ एक बार। मुझे लगता है शायद ये डीबी किलर है, नॉट बी श्योर, एक बार खोल लेते हैं पहले इसको अपन। नहीं भाई, ये है अपना आगे के लिए, जब अपन एग्जॉस्ट लगाएंगे उसमें तो ये इसके साथ में एक्स्ट्रा में काम आएगा लगाने के लिए। तो अब इसके करते हैं ओपनिंग। किस किस भाई को खुशी हो रही है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। रहा नहीं जाता, चीज़ ही ऐसी है। ये लो जी, ये रहा अपना एग्जॉस्ट, और अगर आप यहाँ देख रहे होगे तो साइड में इधर में भाई ये पावर इसकी एक ब्रांडिंग है, और ये बिल्कुल सेम ओरिजिनल एग्जॉस्ट की तरह लुक्स देता है, मतलब कोई फील नहीं कर सकता कि आपने कस्टम एग्जॉस्ट लगाया हुआ है। और यहाँ आपको साथ में मिल जाएगा डीबी किलर, और ये एलंगी है, यहाँ बोल्ट लगा हुआ है, इसको निकाल के आप डीबी किलर हटा सकते हो, लगा भी सकते हो, तो ये चीज़ अच्छी भी लग रही है। और मुझे लगता है जो ये है वो स्मॉल डीबी किलर है, और इसको भी देखेंगे, और नहीं तो भाई मुझे तो यहाँ का लग रहा है ये रहा, ये अपने को इसमें लगाना पड़ेगा, देन उसके बाद ही अपन इसको लगा सकते हैं, नहीं तो एग्जॉस्ट थोड़ा है जो ढीला रहेगा। तो इसको अपन अंदर की तरफ फिटिंग करके देन उसमें लगाएंगे, और नॉट बी श्योर, पहले नॉर्मल लगा के देखते हैं, अगर डायरेक्ट फिट हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपन उसको लगा लेंगे साथ में। तो जल्दी से, देर नहीं करते हैं, मैं बाइक लेके आता हूँ अंदर ऑफिस में, और इसे फिट करते हैं और फिर बनाते हैं एक अच्छी सी वीडियो। तो बस इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर और बाइक लेके आता हूँ, फिर एक छोटा सा टाइम लैप्स फिटिंग करने का वो भी बना देते हैं। चलो जी पहले बाइक लेके आते हैं, मिलते हैं सीधा बाइक लाने के बाद। पहले बाइक में ले आया हूँ अंदर, ये टूल किट है मैंने अपनी बाहर निकाल ली है, और ये अपना एग्जॉस्ट जो अपने को लगाना है। पहले इसको ओरिजिनल को निकाल लेते हैं, देन इसके बाद ही फिट करता हूँ। तो एक छोटा सा टाइम लैप्स बनाने वाला हूँ, तो वो भी पूरा देखना भाई लोगों। सो चलो जी, अब थोड़ा मिस्त्री पना भी कर लेते हैं, चलते हैं ओरिजिनल एग्जॉस्ट को ओपन करने के लिए।
एंड देन इसके बाद मैं ये वाला एग्जॉस्ट लगाऊंगा। तो पहले इस वाले को ओपन कर लेते हैं, तब तक आप मेरे साथ प्लीज से बने रहना, क्योंकि कुछ भी मिस करोगे तो मुझे पता नहीं क्या मिस कर बैठोगे, आई डोंट नो खुद से भी। बट अभी मैं ओपन करने जा रहा हूँ, आ जाओ साथ में। सो भाई लोगों, इसको अपन निकाल चुके हैं, बहुत इजी था खोलना इसको, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग का इस्तेमाल है। कभी भी मेहनत लाती जो है रंग, वो दिमाग से लाती है, ना कि ये नहीं कि आप बस जोर लगाए जा रहे हो, जोर लगाए जा रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो चलो अब ओरिजिनल वाला नहीं उठा लेता हूँ मैं। तो ओरिजिनल वाले में भाई इसका बोल्ट ऊपर वाला आया है, तो ये डायरेक्ट कस जाएगा। आओ, बोला था ना भाई इसमें नीड आने वाला है, इसमें जो इसका ओरिजिनल पाइप है वो बहुत ज़्यादा ढीला है। तो अब इसका करने वाले अपन यूज़, ये इसका यूज़ में आने वाला है। सो बेसिक चीज़ें जो थी, बेसिक बोल्ट्स वो मेन बोल्ट एक ये था और एक ये वाला था। इसको बहुत अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो आपकी लीकेज की आवाज़ आएगी फुस 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 करके। और ये टाइट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइलेंसर का वाइब्रेशन नहीं आना चाहिए। एनीवेज अब दो चीज़ रह गई, तो ये ऊपर का ये शोपीस और एक ये शोपीस, तो इसको भी कस देते हैं। एग्जॉस्ट आप एक बार देख लो, मैं कस चुका हूँ, बस बाइक मैंने वार्म अप नहीं करी है, पहले वार्म अप करता हूँ, उसके बाद डीबी किलर विदाउट डीबी किलर दोनों में मैं आपको एग्जॉस्ट नॉट देने वाला हूँ। तो टाइम हो चुका है अभी सेल्फ लगाने का, गेट रेडी, मैं बहुत रेडी हूँ, क्या आप वेट कर रहे हो? सो 1 2 3 समथिंग डिफरेंट, सीरियसली थोड़ी मिसिंग कर रही है, पता नहीं क्यों, बट एक बार मुझे लगता है यहाँ से भी ये लीक है, तो यहाँ से इसको मैं एक बार टाइट कर देता हूँ, फिर एक बार दोबारा बात करता हूँ। सो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो है डीबी किलर के साथ, अभी मैं विदाउट डीबी किलर भी सुनाऊँगा, थोड़ा सा एग्जॉस्ट आउट दे रहा हूँ विद डीबी किलर। भाई पटाखे फूट रही है यार ये तो चलो अब डीबी किलर निकालता हूँ, एक बार उसके बाद साउंड सुनेंगे। सो फाइनली डीबी किलर आ चुका है हाथ में, तो सोचो अब साउंड क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता, मैं भी सीरियसली आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं करी। 1 2 3 भाई बेस अल्टीमेट, भाई मुझे तो सीरियसली बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको पसंद आया मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना, और एक दो दिन में जब भी ये मेरा नेक्स्ट व्लॉग आएगा तब तक मैं इसको थोड़ा बहुत चला भी लूँगा, तो परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आया, क्या दिक्कत करी, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये आपसे आपके भाई का प्रॉमिस है। तो एनीवेज भाई लोगों, मैं बहुत थका हुआ था ऑलरेडी, बस मैं शॉप से आया था और मैंने ये पार्सल देखा तो मेरे से रहा नहीं गया, मैं बिना फ्रेश हुए बिना मुँह हाथ धोए कुछ भी किए आपके लिए डायरेक्ट नीचे आया, पहले ये फिटिंग किया उसके बाद थोड़ा रहा सा नहीं गया था इसलिए मैं आ गया था। ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर देना, और आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। तो तब तक के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।